अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अजीज। आज की जो मेरी वीडियो है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है और ये उन लोगों के लिए है जिनकी क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, जो मैट्रिक पढ़े हैं या फिर जिन्होंने इंटर किया हुआ है या फिर इससे ज़्यादा भी पढ़े हुए हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए वीडियो है कि जो आइल्स नहीं जिन्होंने किया या फिर आइल्स करना नहीं चाहते या जिनसे आइल्स होता नहीं है। ये बेसिकली जो है ना कोरिया की वैकेंसीज हैं जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ना अलाउ की जाती हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें सिर्फ अप्लाई करने के जो चार्जेज है ना 500 है और ये वर्क वीजा आता है 5 ईयर्स का। इसमें आपकी जो पे है तकरीबन वो 3 से 5 लाख रुपए पाकिस्तानी पैसों में बनती है, लेकिन ये कुरान दाजी के थ्रू होता है। जैसे कि आई थिंक अभी मैं देख रहा था 3 लाख लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं और ये 200 से 300 लोगों को जो है ना सिर्फ ये वीजा जो है ना लोग करेंगे। ये कुरानदाजी होगी, जैसे आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जो है ना ये रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। अभी अप्लाई की डेट जो है 31 जनवरी, आज 31 जनवरी है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज ही मैं अपलोड कर दूंगा और 2 फरवरी तक इसकी जो है ना अप्लाई करने की डेट है। उसके बाद 3 फरवरी को ये जो है ना ये नोटिस लगा देंगे वेबसाइट के ऊपर ही, जहां से आपको पता चल जाएगा कि जो कुरानदाजी में जिन लोगों के नाम आए हैं। तो ये बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। मैं वेबसाइट पर भी जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करके भी दिखाऊंगा आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो ये 5 साल का इसका वर्क वीजा है। पहले कोरिया जो है ना 5 साल का वीजा ही देता था, लेकिन अभी इन्होंने जो है ना नए रूल्स बनाए हैं, इन्होंने ये 5 साल को 10 साल में भी कन्वर्ट कर देते हैं उसकी। लेकिन शायद कुछ ऐसी है, अगर आपने 5 साल यहाँ पे जॉब की हुई है और आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, तब आप एलिजिबल हैं और आपको 5 साल मजीद जो है ना कोरिया में काम करने के लिए और जो है ना वीजा दे दिया जाएगा। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ आपने अप्लाई कैसे करना है। अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ। आपने वेबसाइट पे जाना है www.oec.gov.pk। ये मैं वेबसाइट लिंक में दे दूंगा, अब आप इससे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही वेबसाइट पे आओगे आपके सामने ही आ जाएगा एपीसी टॉप 2023 के तहत जनूबी कोरिया में मुलाजमत के लिए प्री रजिस्ट्रेशन। इसमें आपने करना क्या है, डाउनलोड फी चलाना, आपने लिए डाउनलोड कर लेंगे। ये चलान फी है, आपने इसको HBL अकाउंट में जो है ना ये भर के 500 आपने जमा करवाना है। आप ऑनलाइन भी इसको जमा करवा सकते हैं। अब सिर्फ क्या करना है, जिनका अकाउंट है फ्रीडम अकाउंट, इसमें आपने ऑनलाइन इजी पैसा के थ्रू भी डिपॉजिट करवा सकते हैं या किसी भी बैंक के थ्रू आप इसमें डिपॉजिट करवा के बाद में इसको लगा सकते हैं। आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे अगर किसी को समझ नहीं आती अप्लाई कैसे करना, हाउ टू अप्लाई, इस पर क्लिक करेगा तो बकायदा उन्होंने वीडियो बनाई हुई है जहां पे आपको ये टोटल सारा सिनेरियो सिखा देंगे। तो मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। मेरा माउस किधर चला गया यार, खैर माउस उधर मिला। जो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो तब तक वेट करते हैं। फॉर्म मेरे सामने आ गया, इसमें आपने अपना नाम लिखना है। मैं लिखता हूँ अजीज, नाम आपने वो लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पे है। फादर नेम आपने लिखना है, इधर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। इधर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, जैसे मैं अपना लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखना ड्यू है पासपोर्ट, आपने यस कर देना। अगर नहीं भी बना था कोई मसला नहीं, आपने ये शो करना है कि हमारा जो है ना पासपोर्ट बना हुआ है। अब नीचे आ जाए, यहाँ पे CNIC नंबर हमने देना है और री एंटर CNIC नंबर करना है जो पहले दिया था, आपने दोबारा सेम ही करना है, कोई गलती ना हो। ठीक है, मैं भी ये फर्जी ही डिटेल्स लिख रहा हूँ, अपना नाम वगैरह मैंने जो ना। अच्छा, ये हो गया। अब नीचे हमने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। मैं
फर्जी फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ, आप अपना फ़ोन नंबर देंगे, वो नंबर देना जो आपका एक्टिव हो। अच्छा नीचे हम ये देखें, इनका मैक्सिमम फाइल साइज 200 KB एंड फॉर्मेट शुड बी JPG और GPG और PNG। अच्छा यहाँ पे अपने पिक्चर लोगे ना, तो उन्होंने कहा कि 200 KB से ज़्यादा बड़ी पिक्चर ना हो और ये JPG या PNG में होनी चाहिए। अब यहाँ पे आके अगर आप मोबाइल से खींच के अपलोड करोगे तो ये जो है ना आपको एरर देगा। तो मैं इसके लिए भी आपको बता देता हूँ, अब वेबसाइट है या फिर मोबाइल में ऐप्स भी हैं जिसमें आप अपना मोबाइल में ये पिक्चर जो है ना 200 KB में से कंप्रेस भी कर सकते हैं और PGP और PNG में जो है ना इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हम वेबसाइट पे चलते हैं, मैं आपको वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कन्वर्ट फोटो टू JPG और साथ में हम ये लिख देंगे कि 200 KB। अच्छा मैंने यहाँ पे ना वो गलती से लिख दिया है 1600 KB, आपने यहाँ पे इसे 200 KB लिख लेना। ये वेबसाइट पे आप जाएंगे, इधर ये आपने सेलेक्ट इमेज करनी है, इधर आपने वो जो चलान फॉर्म होता दिया था ना, जो मैंने बता रहा था चलान फॉर्म, आपने वो देना है। अब चलान फॉर्म कौन सा है जो आपने वो बैंक में 500 रुपये जमा कराना ना, वो वाला होगा, लेकिन ये आप मोबाइल के थ्रू भी ऑनलाइन इसको जमा करवा सकते हैं। मतलब ये जो नीचे आ रहा है ना मैक्सिमम, ये जो हमने यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे आपने मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं इजी पैसा, यहाँ बैंक जो है ना बैंक के थ्रू आप पे कर सकते हैं। जो मैंने चलान फॉर्म आपको दिखाया था उसके ऊपर बैंक अकाउंट लिखा है, तो आप अगर बैंक से जमा करवा रहे हैं तो आप उसकी जो है ना खाली पे लगा के वो जो स्क्रीन शॉट है वो दे के अपलोड कर सकते हैं। और ये पे यहाँ पे नीचे आ गया OIC रजिस्ट्रेशन, ये जो है ना इनका OIC का ऑफिस है। तो मैं चूँकि लाहौर से, मैं लाहौर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप जिस सिटी से होंगे आपने उस वो सिटी सेलेक्ट करके इसको सिंपली सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है, इतना लंबा चौड़ा के काम नहीं है, सिर्फ 500 आपने चार्जेस जो है ना वो पे करने हैं। इतने चार्जेस आप करके तो आपकी कुरानदाजी होगी, अगर आपका कुरानदाजी में नाम आ जाएगा तो आप जो है ना इधर वेबसाइट पे आके चेक करेंगे, इन्होंने नाम की लिस्ट दी होगी यहाँ, उधर ऊपर आप देखेंगे ये लॉगिन आ रहा है, आप लॉगिन को क्लिक करेंगे ना तो इसके साथ आपका आ जाएगा फ्री रजिस्टर, आपने अपना रजिस्टर करके अकाउंट भी बना लेना है इधर। तो ये जो है ना इनकी डेट जो है वो होगी 3 फरवरी को ये अनाउंस करेंगे, अभी 31 से 2 फरवरी में इनकी जो है ना सिर्फ वो डेट है जहाँ पे हमने अप्लाई करना है, और 3 फरवरी को आपकी जो है ना वो लिस्ट लग जाएगी जिन लोगों को, कुछ नसीब लोगों के नाम आए होंगे, तो जो फर्दर डिटेल होगी आगे लैंग्वेज भी आपने सीखनी है, जिनके नाम आएंगे वो लोग लैंग्वेज सीखेंगे, लैंग्वेज सीखने के बाद कोई 5-6 महीने 3 महीने बाद लैंग्वेज का टेस्ट होगा, उसके बाद ये आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मांगेंगे, जिन लोगों के नाम आ जाएंगे उन लोगों के लिए है ये चीज़ें। तो ये 3 से 4 लाख लोगों ने अभी फ़िलहाल अप्लाई किया हुआ है, तो लेट्स सी ये 200 लोगों को देते हैं, 300 को देते हैं, 1000 को देते हैं, लेकिन ये 200-300 लोगों को ही वीज़ा इशू करते हैं, और ये वीज़ा बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी वीडियो थी मेरी एक ऑनलाइन जॉब के लिए, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो जो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।